पेज नंबर 1 से लेके 5 तक इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कर लिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। देखो थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है पेज नंबर 6 पे, थ्योरम भी 7.6 ही है। देखो देखो एक्स डी और वाई डी स्टार ये तो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं और आपने एफ फंक्शन डिफाइन कर दिया एक्स इंटू वाई, यानी एक्स से वाई पे एफ आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स जी इज ओपन इन एक्स व्हेन एवर जी इज ओपन इन वाई। देखो अगर वो एफ कॉन्टिन्यूस है तो जब जब जी वाई के अंदर ओपन होगा तो एफ इनवर्स जी एक्स के अंदर ओपन हो जाएगा, और जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है यानी जी ओपन है वाई के अंदर और एफ इनवर्स जी ओपन है एक्स के अंदर तो एफ कॉन्टिन्यूस होगा। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हमने मान लिया वो कॉन्टिन्यूस है और ये तो आप हर किसी केस में लेके चलोगे कि जी ओपन है वाई के अंदर। प्रूफ क्या करना है आपने कि जो एफ इनवर्स जी है ना वो एक्स के अंदर ओपन होगा। देखो सबसे पहली बात, इसको आपने एक्स के अंदर ओपन दिखाना है, या तो ये फाई के इक्वल होगा या ये फाई के इक्वल नहीं होगा। अगर ये फाई के इक्वल है तो फाई क्या है, एम्प्टी सेट क्या होता है, ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है, तो ये ओपन सेट है, जिसका मतलब ये भी ओपन है यानी एक्स के अंदर ओपन हो गया। अगर ये फाई के इक्वल नहीं है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट ए होगा, और अगर ए इसके अंदर है तो आप दोनों सेट एफ ले लो, तो एफ ऑफ ए किसमें बिलोंग करेगा, एफ इंटू एफ इनवर्स क्या बन गया, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी मैप किसी पे भी लगाओगे वही आ जाएगा, यानी एफ ए बिलोंग्स टू जी। जो एफ ए था वो किसका एलिमेंट था, जी का। अब जी क्या था, ओपन था। जी अगर ओपन है इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी एलिमेंट होगा उसके अराउंड एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो कि जी का सबसेट होगा, यानी एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन विल बी सबसेट ऑफ जी। अब जैसा कि एफ को हमने ए पे कॉन्टिन्यूस लिया है, इसका मतलब क्या है कि देर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस ए डेल्टा सच दैट जब आप इस पे फंक्शन लगाओगे तो वो सबसेट हो जाएगा एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्सिलॉन का। यानी ये कॉन्टिन्यूस है तो ये कुछ इस टाइप से कह रहा है कि यहाँ पे अगर एक्स है ये और ये वाई है, अगर इसके अंदर क्या है कोई स्फीयर है ए रेडियस, ए सेंटर का और डेल्टा रेडियस का, वो जो ओपन स्फीयर है और यहाँ पे कोई ओपन स्फीयर है एफ ऑफ ए जिसका सेंटर है और एप्सिलॉन जिसकी रेडियस है, यहाँ ए यहाँ एफ ऑफ ए यहाँ डेल्टा यहाँ एप्सिलॉन, तो जैसा कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इससे और यहाँ पे भी एक मैप एग्जिस्ट करेगा। किस टाइप से, कि जब आप एफ लगाओगे इस स्फीयर के एलिमेंट्स के ऊपर, इस स्फीयर के एलिमेंट्स को किस टाइप से डिनोट करते हो, एस ए सेंटर है और ये डेल्टा रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, इस सेंटर इस ओपन स्फीयर के एलिमेंट्स के, यानी एस एफ ऑफ ए कॉमा एप्सिलॉन हो जाएगी उसकी रेडियस। इस टाइप से इसने कहा है, तो ये इसका सब इक्वल नहीं होगा, सॉरी इक्वल नहीं होगा, सबसेट हो जाएगा क्योंकि हो सकता है ये बड़ा हो। यानी ऐसा है कि इसके ऊपर जो फंक्शंस लगाओगे ना वो सारे इसके अंदर कंटेन होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही होंगे, इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, यानी ये इसका सबसेट ज़रूर होगा अगर एफ कॉन्टिन्यूस है तो, यानी एफ इज सबसेट ऑफ दिस, ये चीज़ इसकी सबसेट है। अब वन और टू हमें क्या कहती हैं, जो वन है वो ये कहती है कि ये जी का सबसेट है और टू क्या कहती है कि ये इसका सबसेट है, तो ये इसका सबसेट है और ये जी का सबसेट है, तो ये वाला जो है ये किसका सबसेट हो गया, जी का, यानी एफ एस ए डेल्टा इज सबसेट ऑफ जी। फिर आपने क्या किया, दोनों सेट एफ इनवर्स ले लिया, यानी एस ए डेल्टा इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स जी। इससे हमें क्या पता चला, ए हमने इसका कोई भी एलिमेंट लिया था उसके अराउंड ओपन स्फीयर ड्रॉ किया आपने और वही इसके अंदर कंटेन हो गया, यानी ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, यानी ये कैसा है, ओपन है। कन्वर्सली में हम ये मान के चलते हैं कि जी वाई के अंदर ओपन है, एफ इनवर्स जी एक्स के अंदर ओपन है, आपने प्रूफ ये करना है कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करने के लिए हम यही प्रूव करेंगे कि एस ए डेल्टा इस ओपन स्फीयर के ऊपर अगर आप फंक्शन लगा रहे हो वो सबसेट हो जाता है इसका, तो वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, ए आपने एक्स का कोई एलिमेंट लिया,
तो इसका मतलब, और आप कह रहे थे कि जो एफ इनवर्स जी है ना वो ओपन है एक्स के अंदर, इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, ये आपने ए जो है वो एक्स का कोई एलिमेंट लिया है, इसका मतलब क्या है, कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर जाएगा ये, जिसका सेंटर एफ ऑफ ए होगा और एप्सिलॉन उसकी रेडियस होगी। अब उसने क्या, बाय अजम्पशन, अजम्पशन से एफ इनवर्स एस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन इज ओपन, अजम्पशन से ये चीज़ ओपन हो जाएगी। देखो क्यों, क्योंकि कोई भी ओपन वाई के अंदर लिया तो उसका इनवर्स, उस जी का इनवर्स वो ओपन हो जाएगा एक्स के अंदर। तो इसने कहा है कि आपने मान लिया कि ये कोई ओपन स्फीयर है वाई के अंदर, तो इसका जो इनवर्स है वो भी ओपन हो जाएगा एक्स के अंदर। ठीक है, ये अगर एक्स के अंदर ओपन है, मतलब इसमें से कोई भी पॉइंट लो उसके लिए आपको ओपन स्फीयर मिल जाएगा जो कि इसका सबसेट हो जाएगा। यानी एस ए डेल्टा आपने मान लिया वो स्फीयर है, वो सबसेट हो जाएगा इस सेट का। अब दोनों सेट एफ ले लो, यानी एफ ऑफ एस ऑफ ए डेल्टा इज सबसेट ऑफ एस एफ ऑफ ए एप्साइलन, ये इसका सबसेट हो गया। यही कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट था, ये फंक्शन उस ए के ऊपर ही कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका मतलब वो अपने हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। और ऐसे फंक्शन जो अपने हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इस टाइप से हम इफ एंड ओनली इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम कहती है हमें, ये तो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं और फंक्शन आपने एक्स से वाई पे डिफाइन किया, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, वो क्या है कि इनवर्स इमेज अंडर एफ ऑफ एवरी सबसेट ऑफ वाई इज अ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। यानी कोई भी क्लोज सबसेट वाई के अंदर है ना तो उसकी इनवर्स इमेज एक्स के अंदर क्लोज होगी। वो ओपन के लिए था, ये क्लोज के लिए है। वो कह रहा था कि अगर जी ओपन है वाई के अंदर तो उसका इनवर्स ओपन होगा एक्स के अंदर, और ये कह रहे हैं कि जी अगर क्लोज है वाई के अंदर तो उसका इनवर्स क्लोज होगा एक्स के अंदर। यानी ये थ्योरम ओपन के लिए भी ट्रू है और क्लोज के लिए भी ट्रू है। तो देखो एफ कॉन्टिन्यूस हमने मान लिया और एफ जो है वो वाई का क्लोज सबसेट आपने मान लिया, तो आपने क्या प्रूव करना है, इसका इनवर्स है ना जो वो भी एक्स के अंदर क्लोज होगा, या फिर सिंपली वो भी प्रूव करना है कि वो भी क्लोज होगा, यानी ये क्लोज होगा। तो देखो एफ जैसा कि क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है और एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस है। पिछले थ्योरम में हमने क्या किया था, एफ अगर कॉन्टिन्यूस है और ये वाई का कोई ओपन सबसेट है तो उसका इनवर्स वो ओपन सबसेट होगा एक्स का, और उसका इनवर्स को सॉल्व करो, एफ इनवर्स ऑफ वाई माइनस एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई माइनस एफ इनवर्स ऑफ एफ। और एफ इनवर्स ऑफ वाई, वाई की इनवर्स इमेज कौन है, एक्स ही तो है, यानी एक्स माइनस एफ इनवर्स एफ, यानी ये ओपन है और ये इसके इक्वल है तो ये भी तो ओपन हो गया। ये ओपन है यानी इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ये सेट क्या है, क्लोज्ड। कन्वर्सली में हम ये लेके चलेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब अगर कोई क्लोज सबसेट आपने एक्स का उठा वाई का उठाया है तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्लोज्ड होगी, ये हमने मान लिया। प्रूफ क्या करना है कि जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब एफ कॉन्टिन्यूस होगा, यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस थ्योरम का। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर जी के अंदर कोई ओपन सेट है और उसका इनवर्स अगर एक्स के अंदर ओपन हो जाता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता था। तो हम ये प्रूव कर देंगे कि वाई के अंदर कोई भी ओपन सेट लो, उसका इनवर्स एक्स के अंदर ओपन हो रहा है तो इसका मतलब एफ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ना। तो देखो अब, और यहाँ सपोज क्या करना है कि कोई क्लोज सबसेट है अगर एक्स वाई के अंदर तो उसका इनवर्स भी एक्स के अंदर क्लोज होगा, ये हमने मान के चलना है। देखो जी आपने वाई का कोई ओपन सबसेट उठा लिया, ये चीज़ बस ध्यान रखना कि आपने उठाना क्या है, जी का ओपन सबसेट उठाना है, क्योंकि आपको पिछली थ्योरम के हिसाब से इस चीज़ को प्रूव करना है। ये अगर वाई के अंदर ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा, और हमने माना है कि कोई भी वाई के अंदर क्लोज है तो उसका इनवर्स क्लोज होगा एक्स के अंदर, यानी ये क्लोज हो जाएगा। और सॉल्व करके ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स माइनस एफ इनवर्स जी के। ये क्लोज्ड है यानी ये भी क्लोज्ड है। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है यानी वो कैसा है, ओपन है। यानी आपने जी कोई ओपन सबसेट लिया था वाई का, उसका इनवर्स ओपन हो गया तो
तो पिछली थ्योरम क्या कहती है कि एफ क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर टू देखो, आर डी कोई मेट्रिक स्पेस है और एफ कोई फंक्शन है आर इंटू आर, ठीक है। किस टाइप से, कि जब एक्स जीरो से बड़ा है तो वैल्यू आ जाए वन, जीरो है तो वैल्यू आ जाए जीरो, और जीरो से कम है तो वैल्यू आ जाए माइनस वन। क्या एफ कॉन्टिन्यूस है? इसके लिए हम हमारी 7.6 थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो इस लेक्चर में हमने फर्स्ट थ्योरम की है ना। हम ये लेके चलेंगे कि कोई भी ओपन सेट है जी, तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर उसका इन्वर्स भी ओपन हो जाता है तो ऑब्वियसली वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट थ्योरम यही कहती थी, और अगर नहीं होता है तो एफ कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब आपने कोई जी ओपन सेट ले लिया, माइनस वन बाय टू वन बाय टू, ये ओपन सेट है, इसका इन्वर्स इमेज आपने ओपन प्रूव करनी है। अब जी की जो इन्वर्स इमेज है वो कौन होगी? जीरो होगी। देखो रीजन क्या है, ये आपने क्या लिया है, वाई के अंदर जी ओपन सेट लिया है। अब देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में इसने ये कहा है कि ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, और जो इमेजेस है ना वो या तो जीरो आ सकती है, या वन आ सकती है, या माइनस वन आ सकती है। यानी जो जीरो वैल्यू है वो जीरो पे मैप होगी, बाकी पॉजिटिव वैल्यूज़ की जो मैपिंग है वो वन आएगी, उनकी जो इमेज है वो वन आएगी, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनकी इमेज माइनस वन आएगी। हमने क्या किया है, इस वाई के अंदर से एक सेट उठाया है माइनस वन बाय टू और वन बाय टू, ओपन इंटरवल। तो एक बात बताओ, इस सेट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी ना किसी की इमेज ज़रूर है? माइनस वन बाय टू किसी की भी इमेज नहीं है, इमेज ही तो तीन है, वन है, जीरो है और माइनस वन है। इसमें वन भी बिलोंग नहीं करता, माइनस वन भी बिलोंग नहीं करता, यानी इसमें सिर्फ जीरो है। यानी इस पूरे इंटरवल में सिर्फ जीरो ही है जो किसी की इमेज है, और किसकी है? जीरो की। यानी इस इंटरवल, जो ये इंटरवल हमने वाई में लिया है, इसके लिए एक्स में कौन एलिमेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा, जिसकी इमेज जीरो होगी, बाकी एलिमेंट तो जस्ट बेकार के टाइप ही है यहाँ पे। यानी अगर आपने ये ओपन सेट लिया है ना वाई के अंदर से, तो उसकी इन्वर्स इमेज यानी जीरो आएगी, यानी जीरो की ही इमेज है उस सेट में कोई ना कोई एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट की इमेज उस सेट में बिलोंग नहीं करती। अब हमें क्या प्रूव करना था, कि अगर जी ओपन है ना तो उसकी इन्वर्स इमेज भी ओपन हो, लेकिन जो सिंगलटन सेट है वो क्लोज्ड होता है, ओपन नहीं होता, उसका इन्वर्स ओपन नहीं आया तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री के ऊपर। एक्स डी कोई इनफाइनाइट डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, यानी इसमें डिस्टेंस फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है, यानी इसके दो एलिमेंट्स के जो डिस्टेंस है वो जीरो आएगा अगर वो इक्वल है, और वन आएगा अगर इक्वल नहीं है। इतना हमने पढ़ लिया। हमें क्या प्रूफ करना है, कि एवरी फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स डी टू मैट्रिक स्पेस वाई डी स्टार इज कॉन्टिन्यूस। कोई भी फंक्शन ले लो आप एक्स डी से वाई डी स्टार में, हमेशा ही वो कॉन्टिन्यूस होगा। देखो इसमें भी हम वही चीज़ का यूज़ करेंगे, कि आप वाई का कोई ओपन सेट उठा लो, अगर उसकी इन्वर्स इमेज भी एक्स के अंदर ओपन आ जाती है तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। जी आपने वाई का सबसेट उठाया जो कि एक ओपन सेट है, तो उसका जो इन्वर्स है वो भी ऑब्वियसली क्या होगा? ओपन होगा। इस चीज़ का रीज़न क्या है? देखो एक्स का ना, एक्स क्या है, एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, इसका कोई भी सबसेट उठाओ वो हमेशा ही ओपन सेट होगा। ये थ्योरम की थी हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर आई थिंक, कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का हर सबसेट ओपन सेट होता है। तो एफ इनवर्स जी है क्या? एक्स का सबसेट ही तो है, तो वो क्या होगा? हमेशा ओपन होगा। तो कोई भी ओपन सेट उठा लो तो उसका इनवर्स होगा किसका? सबसेट एक्स का ना, तो एक्स का सबसेट होते ही वो ओपन हो जाएगा, तो एफ हमेशा ही एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि अगर एक्स डी और वाई डी स्टार दो मैट्रिक स्पेसेस हैं और फंक्शन आपने एक्स से वाई पे डिफाइन कर दिया, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे तीसरी कंडीशन आ गई उसकी कॉन्टिन्यूटी की मैट्रिक स्पेस के अंदर, क्या? कि एक एक क्लोजर के ऊपर फंक्शन लगाओ वो सबसेट हो जाए एफ ऑफ ए के होल क्लोजर का। ये चीज़ अगर हो जाती है तो वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है तो ये चीज़ हो जाएगी, दोनों हैं। तो पहले हम उसको कॉन्टिन्यूस मान के चलते हैं,
हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। देखो सबसे यानी ये इसका सबसेट प्रूव करना है, आप दोनों साइड इनवर्स ले लो एफ इनवर्स, तो यहाँ तो ए कैंसिल हो जाएगा, ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब देखो एफ ऑफ ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज सबसेट होता है वाई का, क्योंकि किसी भी सेट का क्लोजर ले लो, किसी भी सेट का क्लोजर है तो वो क्या होगा, हमेशा एक क्लोज सबसेट होता है, ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। और एफ हमने कॉन्टीन्यूअस लिया है, वाई के अंदर कोई भी क्लोज सबसेट उठा लिया और एफ एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, तो उसका इनवर्स भी तो क्या होगा, क्लोज सबसेट होगा एक्स का, सेकेंड थ्योरम आज हमने यही की है। अब कॉन्सिक्वेंटली मतलब इसने क्या कहा कि जैसा कि जो ए एफ ओ फे क्लोजर है वो क्या था, क्लोज सेट था, सॉरी एफ ओ फे क्लोजर कहाँ चले गए, हाँ ये वाला, ये क्लोज सबसेट था, और कोई भी सबसेट अगर कोई भी सेट अगर क्लोज है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है, यानी इसका क्लोजर इसी के इक्वल हो जाएगा। अब इसको यहीं छोड़ दो वन मान के, अब कोई भी सेट है वो अपने क्लोजर सेट में कंटेन होता है। अब आप क्या करो, दोनों साइड एफ इनवर्स ले लो, यानी ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ ए क्लोजर, ये चीज हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उसका क्लोजर उसके क्लोजर के सेट के सबसेट होता है, यानी इसका क्लोजर विल बी सबसेट ऑफ इसका क्लोजर, और इसका क्लोजर इज सबसेट ऑफ, क्योंकि ये इसके इक्वल था फर्स्ट, तभी हमने कहा था इसको यहीं छोड़ दो, ये इसके इक्वल है, और हमें उस जो हमारा जो कंडीशन आई है ना उसमें ये चीज़ का यूज़ है, तो इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी। फिर आपने क्या किया, दोनों साइड f ले लिया, तो f इनवर्स इज f ऑफ a क्लोजर इज सबसेट ऑफ f ऑफ a का होल क्लोजर, प्रूव कर दिया। कन्वर्सली में आपने ये मान के चलना है कि ये इसका सबसेट है, और आपने प्रूव ये करना है कि f कॉन्टिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस के लिए हम सेकेंड थ्योरम का यूज़ करेंगे कि अगर y में से कोई क्लोज सबसेट ले लिया और अगर उसका इनवर्स भी x के अंदर क्लोज हो जाता है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। b का आपने कोई क्लोज सबसेट b उठाया, कोई भी सबसेट क्लोज है यानी उसका क्लोजर उसी के इक्वल है, दोनों साइड f इनवर्स ले लो, तो f इनवर्स b क्लोजर इज इक्वल टू f इनवर्स b, और b अगर y का सबसेट है तो उसका इनवर्स x का सबसेट होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अब यहीं छोड़ दो पहले। अच्छा नहीं छोड़ना, आपने क्या करना है, a इज इक्वल टू f इनवर्स b, आपने a को मान लो कि वो f इनवर्स b के इक्वल है। अब हम देखो मान के क्या चले थे स्टार्टिंग में कि किसी भी सेट का क्लोजर उसके ऊपर f लगाओ वो सबसेट हो जाएगा f ऑफ a के होल क्लोजर के, तो a की जगह आप f इनवर्स b पुट कर दो, इसमें ये चीज आ जाएगी। अब आपने क्या किया, ये चीज एज इट इज है, ये सबसेट हो जाएगी किसकी, b क्लोजर की, b क्लोजर की सबसेट ये कैसे हो जाएगी, क्योंकि f इंटू एफ इनवर्स है अंदर, f इंटू एफ इनवर्स, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैपिंग बन जाएगी i, और आइडेंटिटी मैपिंग किसी भी सेट पे लगा वही एज इट इज आ जाता है, यानी f इंटू एफ इनवर्स को आप हटा सकते हो, b आ जाएगा, इसका क्लोजर है ही, और b क्या था, क्लोज सेट, तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होगा, यानी ये चीज b की सबसेट आ गई, इतना क्लियर है। अब आप क्या करो, दोनों साइड ना f इनवर्स ले लो, तो ये चीज बच जाएगी इधर, तो क्योंकि f इनवर्स इंटू f आइडेंटिटी मैपिंग उसको खत्म करो, यहाँ क्या बचेगा, सबसेट ऑफ f इनवर्स b, बट f इनवर्स b इज सबसेट ऑफ f इनवर्स b का होल क्लोजर, कोई भी सेट अपने ही क्लोजर सेट का सबसेट होता है, ये तो हमने पीछे किया था, अभी ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों क्या है, इक्वल है, और f इनवर्स b इज क्लोज्ड वेन एवर b इज क्लोज्ड, कोई भी सेट है उसका क्लोजर अगर उसी के इक्वल आ जाता है तो वो सेट क्या बन जाता है, क्लोज्ड, यानी f इनवर्स b क्या है, क्लोज सेट है, b क्लोज लिया था उसका इनवर्स भी क्लोज्ड आ गया, तो f कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट थ्योरम देखो, f कोई कॉन्टिन्यूस मैप है किसी मेट्रिक स्पेस एक्स डी के ऊपर इंटू अनदर मेट्रिक स्पेस वाई डी स्टार, एक्स से वाई पे आपने मैपिंग डिफाइन कर दी, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। कन्वर्सली अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होल्ड करती है तो एफ कॉन्टिन्यूस हो जाएगा,
यानी तीन काम करने हैं, पहले फर्स्ट प्रूफ करो फिर सेकंड। कन्वर्सली में ये प्रूफ करना है अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड कर गई तो एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। देखो एफ अगर कॉन्टिन्यूस है, स्टार्टिंग में तो उसने कॉन्टिन्यूस ही दिया है, एफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो अगर वाई के अंदर बी क्लोजर कोई क्लोज सबसेट लोगे तो उसका इनवर्स एक्स के अंदर क्लोज होगा। आज हमने जो सेकेंड थ्योरम की है वो यही कहती है। और कोई भी सेट जो क्लोज्ड है उसका क्लोजर उसी के इक्वल होता है। ऑल्सो कोई भी सेट, देखो कॉन्सेप्ट आपको आपको पता है ना, आपको चीज़ें आती हैं, तो चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम हो आप हर किसी चीज़ का रीज़न निकाल ही लोगे क्योंकि आपने उसको पढ़ा है, ध्यान से समझा है। अब ये भी आपको पता है कोई भी सेट है वो अपने क्लोजर के अंदर कंटेन होता है, इसका मतलब बी जो है वो कंटेन होगा बी क्लोजर के अंदर। अब आप क्या करो, दोनों सेट एफ इनवर्स ले लो, तो एफ इनवर्स बी विल बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी क्लोजर। और कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट है तो इसका क्लोजर इसके सब क्लोजर का सबसेट होगा, ठीक है, और इसके इनवर्स का क्लोजर का क्लोजर इसके इक्वल होगा। रीजन क्या है, अभी पीछे हमने किया था ये इसके इक्वल है तो तभी हमने इसको इसके इक्वल रख दिया, यानी ये सबसेट हो गया इसका विच प्रूव्स वन, वन को हमने प्रूव कर दिया। सेकंड देखो, बी स्टार ओपन होगा वाई के अंदर, वहां हमने स्टार्टिंग की थी कि जो बी क्लोजर है वो क्लोज्ड होगा वाई के अंदर क्योंकि किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड होता है और किसी भी सेट का इंटीरियर ओपन होता है। बी इंटीरियर ओपन वाई के अंदर तो उसका इनवर्स ओपन होगा एक्स के अंदर। कोई भी सेट ओपन यानी उसका इंटीरियर उसी के इक्वल। फिर उसने किया था कि बी अपने क्लोजर के अंदर कंटेन होता है, यहाँ हम करेंगे कि किसी भी सेट का बी उसका इंटीरियर उसके अंदर कंटेन होता है। फिर हमने वहाँ भी इन्वर्स लिया था, यहाँ भी इन्वर्स ले लो। फिर हमने क्या किया था, इस चीज़ का वहाँ पे यूज़ किया था यानी इसको इसके इक्वल रख दिया था, तो यहाँ पे भी हमने इसको इसके इक्वल रख दिया। एक सेकेंड, हाँ पहले तो इस चीज़ का यूज़ किया कि कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट है तो उसका इंटीरियर उसके इंटीरियर के सेट के सबसेट होगा, और ये चीज़ किसके इक्वल है इसके, यानी ये सबसेट आ गया इसका। ये तो बिल्कुल दोनों ही सेम है अप्रॉक्सीमेटली, एक में क्लोज है एक में ओपन का यूज है बस। अब यानी ये कहता है अगर फर्स्ट होल्ड करती है तो भी एफ कॉन्टिन्यूस होगा और सेकंड होल्ड करती है तो भी एफ कॉन्टिन्यूस होगा। अगर मान लो फर्स्ट होल्ड करती है तो देखो बी आपने कोई भी क्लोज सेट ले लिया वाई के अंदर, वो क्लोज है तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल होगा। अब हमने फर्स्ट को होल्ड किया है ये माना है, यानी फर्स्ट क्या कहती है कि ये इसका सबसेट होगा और बी क्लोजर बी के इक्वल है, यानी ये इक्वल होगा एफ इनवर्स बी के, इसकी जगह हमने बी रख दिया। अब ये चीज इसका सबसेट है तो इसका मतलब क्या है, इस कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो उसका क्लोजर उसके क्लोजर का सबसेट होता है। तो यहाँ क्लोजर लोगे तो क्लोजर का क्लोजर वही एज इट इज आ जाएगा, क्लोजर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा इसका क्लोजर। हैंस देखो दिस इज इक्वल टू दिस, ये इसका सबसेट था और ये इसका सबसेट है, हैंस ये दोनों इक्वल आ गए। इस चीज़ की एक और एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि कोई भी सेट अपने ही क्लोजर सेट के अंदर कंटेन होता है इसीलिए ये इसके अंदर कंटेन होगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना, रीज़न दोनों ठीक है। देयरफॉर दिस इज क्लोज नेक्स्ट, ये तो हमने किया था ना कि अगर कोई भी सेट है उसका क्लोजर उसी के इक्वल हो जाए तो वो सेट कैसा होता है, क्लोज्ड। लिया था हमने बी के अंदर कोई क्लोज सेट, बी कोई क्लोज सेट लिया था वाई के अंदर, उसका इनवर्स क्लोज्ड आ गया एक्स के अंदर तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा थ्योरम नंबर टू से, और अगर टू होल्ड करती है तो थ्योरम नंबर वन से करेंगे। यानी अगर बी आपने ओपन सबसेट लेना है, बिल्कुल देखो जैसे वैसे वहाँ चल रहे थे ना वैसे ही चलना है, तो वहाँ बी क्लोजर बी के इक्वल था तो यहाँ बी इंटीरियर बी के इक्वल होगा। फिर हाइपोथेसिस का यूज़ करेंगे, बी इंटीरियर की वैल्यू बी रख दो, फिर कोई भी सेट का इंटीरियर है उसी सेट के अंदर कंटेन होता है और उसका इंटीरियर उसके अंदर कंटेन है, इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल हैं। और किसी भी सेट का इंटीरियर उसी के इक्वल आ जाए तो उसका मतलब वो सेट ओपन होता है। बी वाई के अंदर ओपन सेट लिया था, उसका इन्वर्स एक्स के अंदर ओपन आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस, बाई यूजिंग द थ्योरम नंबर फर्स्ट जो आज हमने की है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और इससे आगे तक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उससे नेक्स्ट में करेंगे एक्सरसाइज 7.1, उसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।